दान का हिसाब। एक था राजा। राजा जी लकदक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। राजसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहां पर उनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई। वे बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें। तो राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, दो वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। न जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई। दुहाई महाराज, आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपए हमें दे दें तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। राजा ने कहा, 10,000 रुपए भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है? एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो, उसमें से एक आध लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा? राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन 1,000 रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं, चाहे तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसीलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। राजा का क्रोध देखकर लोग वहां से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपए होते तो एक बार सोच भी सकता था, ठहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम पूरी भी हो जाती, मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा, एकदम 10,000 मांग बैठे, छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। यह सुनकर वहां उपस्थित लोग हां हूं कहकर रह गए, मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने यह ठीक नहीं किया, जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। 2 दिन बाद न जाने कहां से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए, यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा, मैं राजकोष से 20 दिन तक कुछ मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ, दूसरे दिन उसका दुगना और तीसरे दिन उसका दुगना और चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना, इस तरह से प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ, भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। राजा बोले, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे, यही असली बात है।
दो चार रुपए से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफी बड़ी रकम हो जाएगी। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगे। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते। 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफी धन निकला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उसने यह बात मंत्री को बताई। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है, महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या हो रहा है? अभी से इतना धन चला गया है तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे? भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपए। मंत्री को गुस्सा आ गया और बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूंगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभाल कर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है, मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। राजा ने उसे एक बार देखा, दो बार देखा, उसके बाद वह बेहोश हो गया। सब परेशान हो गए। काफी कोशिशों के बाद उन्हें होश में आने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा, बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए, जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य के लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपए चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा कि मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपए ही बहुत होंगे। न्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से 1 पैसा कम नहीं लूंगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर
राजकोष से 50,000 रुपए सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपए राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे दानी हैं। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।